हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, राधे राधे। आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए पार्ट नंबर दोस्तों 6 लेकर के आए हैं, क्लास 10th यूपी बोर्ड एग्जाम दोस्तों मैथ, यानी कि सब्जेक्ट आपका मैथ है। 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको करवा रहा हूँ। दोस्तों मैं आपके कुछ 7 चैप्टर शुरू के दोस्तों मैं करवा चुका हूं, डेली के दोस्तों मैं 10 क्वेश्चन करवा रहा हूं जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते रहते हैं। दोस्तों आज आपका पहला क्वेश्चन है, महा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस बेस पर दोस्तों कई बार सवाल आ चुका है, यदि कॉस ए बराबर 4/5 हो तो कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बना लेना है। क्या दोस्तों? एक इस तरीके से त्रिभुज बना लेना है। अब आपको पता होना चाहिए कॉस ए बराबर फॉर्मूला क्या होता है त्रिकोणमिति में। दोस्तों क्या दोस्तों? कॉस ए बराबर क्या होता है? दोस्तों मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आपको बता देता हूं। आपके त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉसेक, ठीक है ना दोस्तों? तो आपको एक बात याद रखना है, लाल बटे कक्का। क्या दोस्तों? लाल बटे कक्का से आपको याद रखना है, लाल बटे कक्का, ठीक है ना दोस्तों? तो लाल बटे कक्का का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी भी त्रिभुज में ए जो आपका लंब होता है, लंब को आप एल से दर्शाते हैं, जी दोस्तों आपका होता है आधार। क्या होता है दोस्तों? आधार। आधार को आप ए से दर्शाते हैं। ए दोस्तों आपका कर्ण होता है। क्या दोस्तों? कर्ण। कर्ण को आप के से दर्शाओगे। क्या दोस्तों? के से दर्शाएंगे आप। अब दोस्तों क्या है, आपके त्रिभुज के त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, तो पहला होता है दोस्तों साइन थीटा। क्या होता है दोस्तों? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण। फिर दोस्तों दूसरा होता है आपका कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। फिर दोस्तों आपका होता है टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है ना दोस्तों? अगर आप ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और यदि दोस्तों आप यदि नीचे से देखते हैं इस तरीके से, तो जे हो जाता है आपका कॉसेक थीटा। क्या दोस्तों? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा बराबर होता कर्ण बटे लंब। दोस्तों सेक थीटा बराबर होता कर्ण बटे आधार। कॉट थीटा बराबर होता दोस्तों आधार बटे लंब। क्या दोस्तों? आधार बटे लंब। दोस्तों ये आपके 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से कोई एक का आपको मान देंगे और बकाया के आपको बताना पड़ेगा। जैसे आपका कॉस ए बराबर 4/5 दे रहे हैं। दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। दोस्तों यहाँ पर आधार बटे में कर्ण। क्या दोस्तों? आधार बटे में कर्ण, ऐसा लिख लेना है। आधार का मतलब है, आधार का मान कितना है दोस्तों आपका? 4। कितना है दोस्तों? 4। और कर्ण का मान कितना है दोस्तों? 5। यानी कि ए आपका कर्ण कहलाएगा जी, ए आपका कर्ण है 5, ठीक है ना दोस्तों? तो आपको लंब निकाल लेना है। आप इसको मान लो कॉस ए दे रहा है जी, तो दोस्तों ए आपको इधर मानना पड़ेगा, इधर पर ए, जो भी इधर पर देंगे उसको इधर पर मान लीजिए ए, और फिर दोस्तों बी इधर मान लीजिए, सी इधर मान लीजिए, ठीक है ना? और ज़रूरी नहीं है, लेकिन ए आपको इधर ही मानना पड़ेगा। जो भी यहाँ पर अगर कॉस ए दे रहा है तो ए मानो इधर पर, अगर इधर पर कॉस बी देते तो समझ जाओ इधर पर बी मानना पड़ता है आपको, ठीक है ना, थीटा कोण पर। अब दोस्तों आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना है इसमें। क्या लगाना दोस्तों? पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाना? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय दोस्तों क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय होती है आपकी, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्या दोस्तों? कर्ण का वर्ग बराबर प्लस लंब का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। दोस्तों कर्ण, कर्ण कितना है आपका? 5। कितना है दोस्तों? 5। 5 का वर्ग कर दूं। लंब, लंब कितना है? नहीं है, तो आपको लंब का मान निकालना है। आधार कितना है दोस्तों आपका? 4। कितना है दोस्तों? 4। 4 का वर्ग कर दीजिए। अब इस 4 के वर्ग को दोस्तों इस साइड पक्षांतर कर दीजिए। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 4 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 16। एल का वर्ग आपका है ही दोस्तों, जब हम जो एल का वर्ग हटा देंगे तो इस साइड का आ जाएगा रूट। 25 में से 16 का कितने बचे दोस्तों? 9 बराबर एल। तो 9 का वर्गमूल कितना होता दोस्तों? 3। कितना होता दोस्तों? 3।
एल बराबर कितना आ गया दोस्तों 3, यानी कि आपकी भुजा लंब का मान कितना आ गया 3 आ चुकी है आपकी। कितनी आ चुकी दोस्तों 3। अब आपको मान क्या बताना, कॉट ए बराबर क्या दोस्तों, कॉट ए बराबर, कॉट ए बराबर का अर्थ होता है दोस्तों कॉट थीटा। तो कॉट ए बराबर आपका क्या होता है फॉर्मूला, कॉट ए बराबर, कॉट ए का मान क्या होता दोस्तों लंब बटे आधार, क्या होता दोस्तों लंब बटे आधार, क्या होता है लंब बटे आधार। दोस्तों आपका लंब कितना निकला 3, तो दोस्तों इधर पर 3 रख दीजिए, आधार कितना है दोस्तों 4 रख दीजिए दोस्तों, तो आपका कॉट ए का मान कितना आ गया 3/4। इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल लगाना है, एक सवाल दोस्तों आना ही है इस बेस पर कि जब भी आपको कॉस ए बराबर 4/5 या साइन थीटा बराबर 4/5 किसी का भी दोस्तों मान देंगे तो आपको एक त्रिभुज बना लेना इस तरीके से, जिस जिस भुजा का मान दे रहे हैं, जैसे अभी आधार बटे कर्ण का मान दे रहा है, आधार और कर्ण का मान दे रहे थे 4/5, हमने लंब का मान निकाल लिया पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से किन्हीं, पाइथागोरस प्रमेय में त्रिभुज के 3 भुजाएँ होंगी, 3 भुजाओं में से किन्हीं 2 भुजाओं का मान देंगे, तीसरी भुजा आपको निकाल लेना है, ठीक है ना। जब वो तीसरी भुजा आप निकाल लोगे तो फिर आपसे जिसका भी मान पूछेंगे, जैसे अभी आलम से कॉट ए का मान पूछा था, तो भैया कॉट ए का मान रख दो लंब बटे आधार, जी भैया सॉरी दोस्तों कॉट ए बराबर आधार बटे लंब होता है, क्या होता दोस्तों आधार बटे लंब, क्या होता दोस्तों आधार बटे लंब होता है, क्या होता दोस्तों आधार बटे लंब। तो आधार का मान दोस्तों कितना है आपका 4 और लंब का मान कितना है दोस्तों 3, दोस्तों 4/3 आपका आंसर कहलाएगा, क्या कहलाएगा दोस्तों 4/3। दोस्तों वहाँ पर गलती हो चुकी थी, टेन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे आधार, लेकिन दोस्तों कॉट थीटा बराबर का होता है आधार बटे लंब, ठीक है ना। या अपन को जब कॉट नीचे लिखा तो यहाँ से ऐसा देखना है दोस्तों आपको, तो आधार बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, और कॉसेक थीटा बराबर का होता है दोस्तों कर्ण बटे लंब, ठीक है ना दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं आगे सेकंड सवाल की ओर। अब तो दोस्तों आपका सेकंड सवाल है, यदि 3 cot थीटा बराबर 4 है तो cosec थीटा का दोस्तों मान ज्ञात करें। दोस्तों जी आपका जो 3 cot थीटा लिखा है, क्या दोस्तों 3 cot थीटा आपका जो लिखा है 3 cot थीटा बराबर 4, दोस्तों इस 3 को नीचे लाएं तो cot थीटा बराबर आपका हो गया 4/3, कितना होगा दोस्तों 4/3। दोस्तों एक छोटा सा आप त्रिभुज बना लीजिए इस तरीके से, आपका यहाँ पर थीटा कोण है तो थीटा कोण इधर मान लीजिए। अब दोस्तों आप ए बी सी कहीं पर भी मान सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। कॉट थीटा बराबर आपका क्या होता है, अभी हमने बताया था लाल बटे कक्का, दोस्तों कॉट थीटा आधार बटे लंब, क्या दोस्तों आधार बटे लंब, ये आपका कॉट थीटा है दोस्तों आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है दोस्तों 4, लंब का मान दोस्तों कितना है 3, आपको कर्ण का मान बताना है, क्या बताना दोस्तों कर्ण का मान। तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे फिर से, पाइथागोरस प्रमेय, क्या दोस्तों पाइथागोरस प्रमेय। दोस्तों ये सवाल हमने इसलिए बताया है कि जी आपका कई बार आ चुका है 3 cot थीटा बराबर 4, दोस्तों अब बच्चे सोचते हैं कि यहाँ पर 3 cot थीटा है तो इसके बटे में कुछ है नहीं, हम कई सवाल बनाएंगे इसको, तो आप दोस्तों 3 को नीचे लाना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है ना दोस्तों। तो 4/3 होगा। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। कर्ण का मान दोस्तों क्या है आपका निकालना है, यानी कि ए सी का मान, तो कर्ण का मान आपको निकालना है। लंब का मान दोस्तों आपका 3 है प्लस आधार का मान दोस्तों कितना है 4, क्या है दोस्तों 4। 3 का वर्ग दोस्तों 9 होता है, 4 का वर्ग आपका 16 होता है, 16 और 9 कितने होगा दोस्तों 25, कितने होगा दोस्तों 25 हो चुके हैं, ये रूट के अंदर है कि दोस्तों जब अपन वर्ग हटाएंगे यहाँ का, क्या दोस्तों वर्ग हटाएंगे तो आपका रूट आ जाएगा, तो के बराबर कितना होगा दोस्तों आपका रूट हो चुका है, क्या हो चुका दोस्तों रूट, क्या हो चुका दोस्तों जी रूट लग गया इसमें, तो के बराबर कितना हो गया 5, 25 का वर्गमूल कितना दोस्तों 5, तो दोस्तों कर्ण का मान आपका कितना आ गया 5 आ गया है, कितना आ गया दोस्तों 5 जी है। अब दोस्तों आपको मान किसका बताना, कॉसेक थीटा बराबर, किसका दोस्तों कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक थीटा बराबर,
कोसेक थीटा बराबर दोस्तों क्या होता है, कोसेक थीटा का आपको मान बताना है, तो कर्ण बटे लंब होता है दोस्तों, क्या होता है कर्ण बटे लंब। कर्ण का मान दोस्तों कितना है 5 और लंब का मान दोस्तों कितना है 3। दोस्तों कोसेक थीटा का मान कितना आ गया आपका 5/3, ये आपका आंसर कहलाएगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, आपको सवाल समझ में आया होगा। हम चलते हैं तीसरे सवाल की ओर। दोस्तों ये सवाल भी आपका पेपर में कई बार आ चुका है दोस्तों, हम देखते हैं। इसमें दोस्तों आपको सारणी याद करनी पड़ेगी दोस्तों, त्रिकोणमिति सारणी के दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा कि साइन टीसंस का मान कितना होता है, कॉस टीसंस का मान कितना होता है। ठीक है ना दोस्तों, ज़्यादातर आप साइन कॉस टेन के कर लीजिए याद, यदि आपको याद नहीं है किताब में लिखे हैं दोस्तों। साइन कितने का, साइन तीस अंश का मान, साइन जीरो अंश का मान, साइन पैंतालीस अंश का मान, साइन साठ अंश का मान, ठीक है ना, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 2 tan 30 अंश, दोस्तों इसका मतलब है 2 tan 30 अंश का मतलब है दोस्तों 2 × tan 30। दोस्तों हमें यहाँ पर 10 30 अंश का मान रखना है। 10 30 अंश का मान दोस्तों क्या होता है, 1/√3 और 1+ यहाँ पर भी 10 30 अंश का मान दोस्तों रखना पड़ेगा 1/√3। अब दोस्तों यहाँ पर 10 पर 2 घातें चढ़ी हैं, तो इसके मान पर आपको 2 घातें चढ़ा देनी है। ठीक है ना, 10 पर आपकी 2 घातें चढ़ी हैं, तो आपको इसके मान पर 2 घातें चढ़ा देनी है। 10 30 अंश का मान होता है दोस्तों 1/√3। अब दोस्तों हम इसको सॉल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे दोस्तों, हम 2 का गुणा 1 में कीजिए, 2 × 1 = 2 और √3 का √3 इस पूरे के बटे में है 1+ 1 का वर्ग करें तो 1 और √3 का वर्ग करेंगे दोस्तों सो आएगा 3, कितना आएगा दोस्तों 3। इसके नीचे आप 1 मानिए, इसको भिन्न जैसा आप सॉल्व कीजिए, सो कितना आएगा आपका 2/√3 बटे में इसका इसका लासा लीजिए, कितना आएगा आपका 3, कितना आएगा दोस्तों 3। तो 3+1 जी आएगा इस तरीके से दोस्तों, अच्छे ध्यान से देखिए। तो 2/√3 इस पूरे के बटे में आएगा 3 × 1 = 4/3, इसका गुणा आप इधर कीजिए, इसका गुणा इधर कीजिए आप, ठीक है ना, क्योंकि दोस्तों जब 4 संख्याएं लगातार होती हैं, 1 2 3 4, जब 4 संख्या दोस्तों लगातार होती हैं तो दोस्तों तो सबसे नीचे का गुणा ऊपर और तीसरी संख्या गुणा दूसरी में। दोस्तों 2 × 3 / 4 × √3 दो का भाग दीजिए 4 में, 2 × 2 = 4, ठीक है ना दोस्तों, 3/√3 आपका आंसर कहलाएगा। क्या दोस्तों 3/√3। दोस्तों इसमें अपन को क्या करना है, ऑप्शन के ऑप्शन पर दोस्तों निर्भर होगा। दोस्तों इसके 4 ऑप्शन दे रहे हैं, क्या दोस्तों 4 ऑप्शन दे रहे हैं, हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं आपके ऑप्शन, इसके 4 ऑप्शन है। पहला साइन 60 अंश है दोस्तों, क्या दोस्तों साइन 60 अंश है। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों इसका कॉस 60 अंश, क्या दोस्तों कॉस 60 अंश। दोस्तों तीसरा ऑप्शन है इसका, तीसरा ऑप्शन है टेन 60 अंश। तो दोस्तों चौथा ऑप्शन है इसका आपका क्या, साइन 30 अंश, क्या दोस्तों साइन 30 अंश। दोस्तों इस सवाल के ये 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इन 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है। दोस्तों आपका सवाल इधर तक हो चुका है, अब आपको करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 3/√3 है दोस्तों, √3 का परिमीकरण कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है। √3 का परिमीकरण, परिमीकरण दोस्तों परिमीकरण का मतलब होता है ऊपर नीचे गुणा करना √3 का। तो 3/√3 ऊपर गुणा कर दिया √3 का और √3 का गुणा कर दिया इस तरीके से, ठीक है ना। तो जी आपका हो गया परिमीकरण, तो क्या हो गया 3√3 दोस्तों, ये 2√3 लिखे हैं, 2√3 का मतलब होता है 2 × √3 × √3, ये अर्थ होता है दोस्तों इसका, ठीक है ना। अब हम आपको बता दें दोस्तों, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं, जिस सवाल आना ही है आपके पेपर में। तो 3 × √3, अब दोस्तों √3 का गुणा हम √3 में करेंगे तो कितना होगा आपका, √3 का गुणा √3 में करेंगे तो दोस्तों 3 होगा, और 2 तो ये रहेंगे ही रहेंगे, 3 से 3 कट गए आपके, √3/2 आपका आंसर आ चुका है। लेकिन दोस्तों आपका इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग काम करना है आपको,
तो दोस्तों साइन 60 अंश का मान कितना होता है, रूट 3/2, यानी कि साइन 60 अंश का मान कितना होता है दोस्तों, रूट 3/2। तो यानी कि हम इस रूट 3/2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 60 अंश लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 60 अंश। दोस्तों जो आपका आंसर रहेगा साइन 60 अंश, ठीक है ना। इस तरीके से आपको सॉल्विंग करनी है दोस्तों, इसकी क्या करना है हम आपको एक बार और समझा दें। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, टू टेन 30 अंश बटे में 1 + 10² 30 अंश का मान होगा। ये आपके चार ऑप्शन लिखे हैं, ठीक है ना। तो आपको करना है 2 × 10³ अंश का मान 1/√3, 1 का 1 + 10² 30 अंश है तो 10³ अंश का मान 1/√3 का होल स्क्वायर, 2 × 2 √3, 1 का 1 + 1√3 तो 3। इसके नीचे दोस्तों 1 मानिए 2/√3, 1 मानिए इसका लासा लीजिए, भिन्न जैसा सॉल्व कीजिए तो 3 + 1/3, 2/√3, 3 और 1 = 4/3, इसका गुणा ऊपर कीजिए, इसका गुणा इधर कीजिए, 2√3 और √3 × 4, ठीक है ना दोस्तों। 2 के पहाड़ 4 काटिए तो 2 बार कटेगा, ऊपर कितना बचेगा 3/√3। अब दोस्तों रूट 3 का परिमिकरण कर दीजिए, क्या कर दीजिए दोस्तों, रूट 3 का परिमिकरण, तो 3/√3 ऊपर परिमिकरण का अर्थ होता है ऊपर नीचे गुणा करना √3 का। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि आपको पता कैसे चल गया कि रूट 3 का परिमिकरण करना है। तो दोस्तों हम जिस संख्या का परिमिकरण करना है, जैसे हम √3 का परिमिकरण कर रहे हैं तो √3 का गुणा ऊपर √3 का नीचे, दोस्तों √3 का गुणा √3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। 3 से दोस्तों ये 3 कट जाएंगे। दोस्तों हमें पहले से ही एक्स्ट्रा में कुछ बातें सोचनी पड़ती हैं कि सवाल सॉल्व कैसे होगा, और दोस्तों ये आपको पता चल जाएगा कब, जब आप सवाल लगाना सीख जाएंगे तो पता चलने लगता है कि अब परिमिकरण करना पड़ता है, ठीक है ना, कब पता है। तो 3/√3 ऊपर नीचे दोस्तों √3 और √3 क्या है दोस्तों, 3 से 3 कट चुके हैं, रूट में 2। अब दोस्तों जीतोवान में कर रहा हूँ ऑप्शन में, अब दोस्तों इन सभी मान लिखिए या साइन दोस्तों 1/2 है और 60 अंश का मान तो होता है, अब दोस्तों 60 अंश का मान आपका होता है, और दोस्तों 10 60 ही मान साइन 60 होता √3/2, चाहे ये आपका आंसर कहलाएगा दोस्तों, इस तरीके से साइन 60 अंश आपका आंसर कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको छाना है, ठीक, आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं आगे चौथे सवाल की ओर दोस्तों, हम देखते हैं चौथा सवाल। यदि tan A = 1/√3, दोस्तों tan A = 1/√3 है, और दोस्तों tan B = √3 है, तो tan A + B का मान ज्ञात कीजिए, यानी tan A = तो दोस्तों आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट दोस्तों ये सवाल है, ये पेपर में आता ही आता है ये सवाल। दोस्तों इस बगल tan है और इस साइड दोस्तों मान है, दोस्तों आपको त्रिकोणमिति सारणी से ये पता करना है कि 1/√3 टेन के कितने अंश का मान होता है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि 1/√3 टेन 30 अंश का मान होता है, कितने अंश का दोस्तों, टेन 30 अंश का मान। तो दोस्तों हमने 1/√3 की जगह पर टेन 30 अंश रख दिया, ठीक है ना। अब दोस्तों इस टेन से ये टेन कट जाएगा आपका, तो ए का मान दोस्तों आपका 30 अंश आ गया, कितना आ गया दोस्तों, ए का मान 30 अंश। अब दोस्तों इसके जरिए निकालेंगे बी का मान। अब दोस्तों इसी प्रकार से tan B = √3 दे रहे हैं, तो tan B = √3 दे रहे हैं, तो टेन का कितने अंश का मान √3 होता है। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर समझिए, लॉजिक है कि यदि यहाँ पर अभी हाल हम आपको टेन में बता रहे हैं कि tan B = √3, हो सकता है आपके पेपर में साइन दे दे यहाँ पर, ठीक है ना दोस्तों, और यहाँ पर देंगे ऐसी चीज की जिसका मान होता है ये, ठीक है ना, कोई वो अटपटी चीज नहीं देंगे। तो tan B = √3 है दोस्तों, तो टेन कितने अंश का मान होता है √3, तो दोस्तों टेन 60 अंश का मान √3 होता है, कितने अंश का दोस्तों, टेन 60 अंश का, टेन से टेन कट जाएगा दोस्तों इस तरीके से, और B = 60 अंश आ गया। आपको मान काय का चाहिए, मान आपको इसका चाहिए कि यानी कि टेन
ए प्लस बी बराबर, बताइए दोस्तों ए प्लस बी का मान रख दो इसमें, ए प्लस बी का मान रखने पर ए और बी का मान, तो दोस्तों ए का मान आपने निकाला 30 अंश और बी का मान निकाला आपने 60 अंश, ठीक है ना दोस्तों। टेन 60 और 30 कितने हो गए 90 अंश। दोस्तों टेन 90 अंश का मान कितना होता है आपको पता होना चाहिए, टेन 90 अंश का मान दोस्तों इन्फिनिटिव होता है, यानी कि अपरिभाषित। पेपर के ऑप्शन में दोस्तों ऐसा चिन्ह बन के आ सकता है, या हिंदी में लिख सकते हैं कि अपरिभाषित किया जा सकता है या फिर परिभाषित नहीं किया जा सकता है, इस तरीके से दोस्तों आपका आंसर रहेगा। तो आपका इन्फिनिटिव आपका ये आंसर होता है, यानी कि टेन 90 अंश का मान क्या होता है इन्फिनिटिव, यानी कि अनंत। इसको हम अनंत भी बोलते हैं, इंग्लिश में इन्फिनिटिव बोलते हैं, हिंदी में अपरिभाषित बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। हम चलते हैं पांचवें सवाल की ओर, इसी के जैसा है दोस्तों। तो दोस्तों ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल, ये सवाल आपका हर साल आ रहा है दोस्तों पेपर में। दोस्तों हम क्या करेंगे, पहला समीकरण यहाँ से बनाएंगे। क्या दोस्तों लिखा है आपका साइन ए प्लस बी बराबर रूट 3/2। दोस्तों अभी हमने क्या बताया था, अभी हमने जस्ट पहले इसके यहाँ पर था टेन, अब क्या आ गया दोस्तों साइन, क्या आ गया दोस्तों साइन आ गया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, साइन ए प्लस बी बराबर रूट 3/2। दोस्तों साइन इस साइड है तो इस साइड भी देखिए साइन कितने अंश का मान रूट 3/2 होता है दोस्तों, तो साइन कितने अंश का मान होता है रूट 3/2। दोस्तों साइन 60 अंश का मान होता है, कहता दोस्तों साइन 60 अंश का मान, दोस्तों साइन से साइन कट गए तो आपका क्या बचेगा ए प्लस बी बराबर 60 अंश, समीकरण नंबर ए। दूसरा समीकरण दोस्तों इधर से बनेगा, कॉस ए माइनस बी बराबर रूट 3/2। तो दोस्तों कॉस ए माइनस बी, कॉस कितने का अंश का मान रूट 3/2 होता है दोस्तों, तो ये होता है आपका कॉस 30 अंश का मान, कितना दोस्तों कॉस 30 अंश का मान, कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा आपका ए माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण नंबर दोस्तों कितना है आपका सेकंड। क्या दोस्तों समीकरण नंबर ए आपका कितना हो गया सेकंड। अब दोस्तों आपको क्या करना है, समीकरण 1/2 से, क्या दोस्तों समीकरण 1/2 से, समीकरण 1 और 2 को दोस्तों सॉल्व कर लीजिए। हम दोस्तों ऊपर बता देते हैं समीकरण 1/2 से, समीकरण ए है आपका ए प्लस बी बराबर 60, पहला समीकरण जी है, और ए माइनस बी बराबर दोस्तों आपका है 30 अंश, जी आपका समीकरण दूसरा। दोस्तों समीकरण सॉल्व करना आपको हमने सिखाया है कि बी बी एक से हैंगे तो क्या कर दीजिए जोड़ दीजिए, एक प्लस माइनस का ए ए 2a प्लस माइनस कट गए, 60 और 30 कितने हो गए दोस्तों 90, 2 से 90 काट दो 45 बार, तो a बराबर 45 अंश, ठीक है ना दोस्तों। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या दोस्तों समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों a प्लस बी बराबर 60 अंश, a का मान क्या है दोस्तों 45 और b बराबर 60, 45 को पक्षांतर कीजिए, b बराबर 60 माइनस 45, तो b बराबर 60 में से 45 का दोस्तों कितने बचे आपके 15, ठीक है ना दोस्तों। a का मान आपका जी आ चुका है, b का मान आपका जी आ चुका है। दोस्तों ये सवाल आपका हर साल पेपर में आ रहा है, बस आपको इससे समीकरण 1 बना लेना है, इस समीकरण 2 बना लेना है, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर देना, a और b के मान आपके आ जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पर कैसे, दोस्तों यदि साइन इस साइड है और इस साइड कोई मान दे रहा है तो आपको ये पता करना कि साइन कितने अंश का मान रूट 3/2 होता है, तो साइन 60 अंश का मान होता है, बस साइन। दोस्तों साइन ही का इस साइड साइन है तो इस साइड भी साइन ही में ढूंढना है आपको कितने अंश का मान होता है, ऐसा नहीं है कि भैया कि इस साइड साइन है इस साइड कॉस का ढूंढना फिर रहा है आप, ऐसा नहीं होगा, साइन इस साइड है तो इस साइड भी साइन में ढूंढना है आपको मान, ठीक है ना। तो साइन ए प्लस बी, साइन रूट 3/2, साइन 60 अंश का मान होता है, साइन साइन कटेगा, ए प्लस बी बराबर 60। इसी तरीके से दोस्तों कॉस अगर इस साइड तो इस साइड भी कॉस ही में ढूंढना है, क्योंकि हमें जो कॉस से कॉस काटना है, जे वाले कॉस हटाना है हमें इधर से, ठीक है ना। तो कॉस 30 अंश का मान, कॉस से कॉस कटेगा, ए माइनस बी बराबर 30 अंश, समीकरण 1 2 को दोस्तों सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। महा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, अच्छे से इसको समझ लीजिए, लगा लीजिए 1-2 बार। अब दोस्तों हम चलते हैं आगे छठवें सवाल की ओर।
दोस्तों अब हम देखते हैं छठवां सवाल। यदि टेन थीटा बराबर ए बटे बी है तो आपको इसका मान बताना है। दोस्तों क्या करना है, दोस्तों आपको इसका मान बताना है, बी साइन थीटा माइनस ए कॉस थीटा बटे में बी साइन थीटा प्लस में ए कॉस थीटा। दोस्तों क्या करना है आपको, टेन थीटा बराबर आपको ये दे रहा है ए बटे बी, तो आपको इसमें से क्या करना है, पहले इसको लिखिए आप हल, बी साइन थीटा माइनस के ए कॉस थीटा बटे में बी साइन थीटा प्लस में ए कॉस थीटा, ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से। दोस्तों अंश बाहर में कॉस थीटा से भाग देने पर, क्या दोस्तों भाग देने पर, अंश बाहर में कॉस थीटा से भाग देने पर दोस्तों दीजिए आप बी साइन थीटा बटे में कॉस थीटा, इसमें भाग दे दीजिए ए कॉस थीटा बटे में कॉस थीटा, ठीक है ना, इस पूरे जी आपका अंश है, अंश में हमने कॉस कॉस का भाग दे दिया। अब दोस्तों हर में दीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जे कॉस का भाग दे दिया हर में, प्लस में ए पद है। दोस्तों भाग देने का मतलब है जितने पद होते हैं उतने पद में आपको भाग देने पड़ते हैं। दोस्तों बी साइन थीटा बटे कॉस थीटा दोस्तों क्या होता है, टेन थीटा, क्या होता है दोस्तों टेन थीटा बटे में माइनस के कॉस से दोस्तों कॉस कटेगा, क्या बचा इधर पर ए, और दोस्तों इधर पे क्या बचा बी, साइन बटे कॉस का हो गया दोस्तों टेन थीटा प्लस कॉस से कॉस कट गया, क्या बचा दोस्तों ए, क्या बचा दोस्तों ए। अब दोस्तों इसका मान धर दीजिए आप टेन थीटा, टेन थीटा का टेन का मान आपको दे रहे हैं बी गुणे बी गुणे टेन थीटा का मान क्या दोस्तों ए बटे बी माइनस के ए बटे में बी गुणे और टेन थीटा का मान ए बटे बी प्लस के ए। दोस्तों बी से बी कट गया, बी से बी कट गया, ए में ऐसा दोस्तों ए गया, क्या बचा आपका जीरो बटे में ए, और ए कितने होगा दोस्तों दो ए, दो ए का भाग अपन जीरो में देंगे दोस्तों जीरो आंसर आएगा आपका, ठीक है। दोस्तों हमने क्या किया, सबसे पहले हमने सवाल लिख लिया है, टेन थीटा का मान देना है, दे रहे हैं टेन थीटा हमें बनाना है इधर पर, तो दोस्तों साइन बटे कॉस क्या होता है टेन, तो अंश और हर में दोस्तों कॉस कॉस से भाग दे दीजिए, भाग देने का मतलब इस पद में भी कॉस से भाग, इस पद में भी कॉस से भाग, अंश हो गया जी हर में इस पद में कॉस से भाग, इस पद में कॉस से भाग, ठीक है ना। तो साइन बटे कॉस दोस्तों क्या होता है, कॉस से कॉस कट गया कॉस से कॉस, तो साइन बटे कॉस टेन, साइन बटे कॉस टेन, टेन का मान धर दिया ए बटे बी और ए बटे बी, बी से बी कट गया, ए में से ए गया बचा जीरो, और ए कितने हो गया दोस्तों दो ए, दो ए का भाग दिया जीरो कितना आया दोस्तों जीरो, ठीक है ना दोस्तों। हम आगे की ओर चलते हैं दोस्तों, अब आपके पास ये सवाल है, पाँच कॉस स्क्वायर साठ प्लस चार सेक स्क्वायर तीस माइनस टेन स्क्वायर पैंतालीस बटे में साइन स्क्वायर तीस प्लस में कॉस स्क्वायर तीस का मान ज्ञात करो दोस्तों, क्या करो मान ज्ञात करो। दोस्तों ये सवाल आपके पेपर में आना ही है, एक मान रखने वाले की सारणी से आपके मान रखने वाले हैं दोस्तों, जरूरी नहीं है कि यही सवाल है, इसी टाइप का सवाल आएगा दोस्तों कि आपको कॉस 60 का मान रखना पड़ेगा, सेक 30 का मान, टेन 45 का मान आपको रखना पड़ेगा, सॉल्व कर देना आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। पाँच कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है दोस्तों, पाँच गुणे कॉस 60 का मान क्या होता है दोस्तों, कॉस 60 का मान होता है एक बटे दो, क्या होता है दोस्तों एक बटे दो, कॉस पर दो घात है तो इसके मान पर दो घात है, प्लस में चार गुणे सेक 30 दोस्तों सेक 30 का मान होता है आपका दो बटे रूट तीन, क्या होता है दोस्तों दो बटे रूट तीन, इस पर दो घात है तो इस पर दो घात है, माइनस टेन 45 का मान दोस्तों कितना होता है एक, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों जो बटे में संख्या लिखी है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों एक, पहली सर्व समीकरण आपको पता हो, हम आपको इधर बता दें, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों एक, अब दोस्तों इसी का फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों रूट के अंदर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और दोस्तों कॉस थीटा बराबर क्या होता है रूट के अंदर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपका होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों एक होता है इसका मान, क्या होता है दोस्तों एक।
दोस्तों जब आप इसकी मान भी रखेंगे अगर आप सॉल्विंग करेंगे तो उसका एक ही आएगा मान, तो हम डायरेक्ट रख दे रहे हैं एक, ठीक है ना दोस्तों। पाँच गुणे एक का वर्ग एक, दो का वर्ग चार, चार गुणे दो का वर्ग चार, रूट तीन का वर्ग कितना होता है तीन, माइनस एक का वर्ग एक, इसके नीचे एक मान लीजिए दोस्तों, एक का वर्ग अपन ने संख्या में दिया जी, संख्या आ चुकी है पूरी, इस एक जी खत्म हो चुका है। पाँच बटे चार, चार चौके सोलह बटे तीन, माइनस के एक बटे, इसका इसका दोस्तों भिन्न जगह सॉल्व कर दीजिए, बारह लाश आ गया है, चार ती बारह, पाँच ती पंद्रह, तीन चौके बारह, सोलह चौके चौंसठ, माइनस एक का भाग बारह है, बारह एकम बारह, ठीक है ना दोस्तों। अब दोस्तों क्या करेंगे आप, चौंसठ और पंद्रह को जोड़ दीजिए, पाँच चार नौ और छः और एक सात, माइनस के बारह बटे में बारह। अब दोस्तों क्या है, नौ में से दो का कितने बजे दोस्तों सात, और सात में से क्या दोस्तों छः, सड़सठ बटे बारह आपका आंसर आ चुका है, क्या दोस्तों सड़सठ बटे बारह आपका आंसर आ चुका है। इस तरीके से दोस्तों आपने सवाल लगाया है, बस आपको मान रख करके सॉल्विंग ही करना है, ठीक है दोस्तों। हम आगे चलते हैं आठवें सवाल की ओर। दोस्तों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर आठवां, सिद्ध करो कि साइन साठ अंश और कॉस तीस अंश माइनस साइन तीस साठ कॉस साठ अंश बराबर एक बटे दो। दोस्तों आपको सिद्ध करना है कि इसके बराबर में एक बटे दो। तो दोस्तों क्या करना है आपको, ए आपका एल एच एस कहलाता है, ए आपका आर एच एस कहलाता है। तो दोस्तों आप एल एच एस ले लीजिए इस तरीके से, तो साइन साठ अंश इंटू कॉस तीस अंश माइनस साइन तीस अंश इंटू कॉस साठ अंश, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से साइन साठ का मान दोस्तों क्या होता है, रूट तीन बटे दो, और कॉस तीस अंश का मान दोस्तों क्या होता है, कॉस तीस अंश का मान भी आपका रूट तीन बटे दो होता है। साइन तीस अंश का मान एक बटे दो, कॉस साठ अंश का मान एक बटे दो होता है। रूट तीन का रूट तीन में गुणा कीजिए तीन आएगा, दो का दो में गुणा कीजिए चार आएगा, एक एकम एक, दो दूनी चार, इसका इसका एलसीएम लीजिए चार आएगा, चार से चार कट गए तीन माइनस एक, तीन में से एक गया दोस्तों कितना आएगा दो बटे चार, दो एकम दो, दो दूनी चार, दोस्तों क्या आ गया आपका एक बटे दो, यानी कि आप लिख सकते हो एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है ना दोस्तों। इस तरीके से इति सिद्धम, इति सिद्धम, ठीक है ना, इस तरीके से आपको लगाना है। हम चलते हैं नौवें सवाल की ओर। तो दोस्तों हम देखते हैं लास्ट नौ वाला सवाल, यदि कॉस थीटा बराबर चार बटे पाँच। दोस्तों मैंने सबसे पहले इसी सवाल को बताया था कि इसके बेस पर एक सवाल आना है, तो दोस्तों कई प्रकार से आ सकता है। कॉस थीटा बराबर चार बटे पाँच है दोस्तों, क्या दोस्तों कॉस थीटा बराबर चार बटे पाँच। तो कॉस थीटा यानी दोस्तों लाल बटे कक्का से दोस्तों क्या होता है, लाल बटे कक्का यानी कि आधार बटे कर्ण होता है कॉस थीटा बराबर, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से आप एक त्रिभुज बना लीजिए छोटा सा इस तरीके से, आधार का मान दोस्तों चार है, कर्ण का मान दोस्तों पाँच है, लंब का मान दोस्तों आपको निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। या पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस दोस्तों प्रमेय होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है दोस्तों कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, क्या दोस्तों लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। दोस्तों कर्ण का मान आपका क्या है पाँच, पर दोस्तों लंब का मान आपको निकालना है, इसको ए बी सी मान लीजिए इस तरीके से, ए बी सी जी आपका लंब है, दोस्तों लंब का मान आपको निकालना है, आधार का मान दोस्तों क्या है चार, क्या दोस्तों चार, पाँच का वर्ग दोस्तों पच्चीस, एल का मान आपको निकालना है, चार को दोस्तों इस साइड पक्षांतर कर दीजिए एक बार में, माइनस चार का वर्ग इस साइड लाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा सोलह, एल का स्क्वायर पच्चीस में से दोस्तों सोलह कितने बचे नौ, वर्ग हटा दीजिए इसका रूट आ जाएगा एल बराबर तीन, दोस्तों कितना एल बराबर तीन, दोस्तों एल का मान दोस्तों आपका जब आपका तीन आ चुका है, तो अब आपको मान किसका निकालना है इसका, एल का मान कितना आ चुका दोस्तों तीन, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। अब दोस्तों आपको बस ये लाल बटे कक्का याद कर लेना है इसी से, साइन कॉस टेन के मान, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो दोस्तों आपको इसका मान बताना है, साइन थीटा का मान क्या होता है दोस्तों लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान आपका तीन है, कर्ण का मान आपका पाँच है। बस दोस्तों बोर्ड की कॉपी में आपको ऐसे लिख लेना है थोड़ा सा लाल बटे कक्का, बस सारे मान आपको पता चल जाएंगे। इंटू का मतलब होता है दोस्तों गुणा, कॉस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों आधार बटे कर्ण, आधार का मान चार है, कर्ण का मान पाँच है,
टेन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधा, लंब का मान तीन है, आधार का मान चार है, टेन पर दो घाते चढ़ी, इसके मान पर दो घाते चढ़ा दीजिए इस तरीके से, तीन चौके बारह, पचम पच्चीस, इसका गुणा इसका गुणा, ठीक है ना, प्लस तीन का वर्ग नौ, चार का वर्ग सोलह, पच्चीस सोलह दोस्तों, आप इसके गुणन लासा ले लीजिए तो क्या आएगा आपका, पच्चीस गुणे सोलह, यही लासा आ जाएगा, ठीक है ना, पच्चीस से पच्चीस कटेगा, सोलह का गुणा कर दीजिए इसमें, सोलह दूनी बत्तीस की दो आंसर लगाएंगे तीन, सोलह एकम सोलह और तीन उन्नीस, प्लस में सोलह सोलह कटेगा पच्चीस, पच्चीस नंबर में पच्चीस अट्ठे दो सौ पच्चीस, नंबर में दो सौ पच्चीस, ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से अब इसको जोड़ दीजिए आप, जब दोस्तों इसको जोड़ दीजिए, जब आप इसको जोड़ देंगे दोस्तों इसको, तो क्या होगा आपके, पाँच दो सात, नौ दो ग्यारह, निकलिए कहाँ से लगा, एक दो दो चार, चार सौ सत्रह बटे में इसका गुणा कर दिए, सोलह पंच अस्सी को जीरो, कहाँ से लगाई आठ, सोलह दूनी बत्तीस और आठ चार सौ, इस तरीके से दोस्तों चार सौ चार सौ सत्रह बटे चार सौ आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। अब हम चलते हैं लास्ट सवाल आपका, दसवां सवाल, तो दोस्तों देखते हैं हम, लास्ट सवाल है दोस्तों, माँ मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों, नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस नाइन टेन स्क्वायर ए का मान ज्ञात कीजिए दोस्तों, ये परसाल पेपर में दोस्तों आया था, बिल्कुल सिंपल सवाल है दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये कठिन सवाल है दोस्तों, नाइन इधर है नाइन इधर है, नाइन कॉमन कर लीजिए इस तरीके से, तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, इस तरीके से दोस्तों ए आपकी सर्वसमीका बन चुकी है, सर्वसमीका आपको पता हो, तीसरी सर्वसमीका दोस्तों sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसका मान होता है एक, क्या होता है दोस्तों एक, अब sec स्क्वायर a बराबर, पहली तीसरी सर्वसमीका का पहला फॉर्मूला ये, दूसरा फॉर्मूला आपका ये sec स्क्वायर a बराबर tan स्क्वायर को पक्षांतर कर दीजिए, तो वन प्लस के टेन स्क्वायर, अब दोस्तों sec a बराबर रूट के अंदर वर्ग हटाएंगे तो इसका रूट आ जाएगा दोस्तों वन प्लस टेन स्क्वायर, अब दोस्तों क्या करेंगे टेन स्क्वायर ए का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर ए माइनस के वन, और दोस्तों टेन ए बराबर रूट के अंदर sec स्क्वायर ए माइनस के वन, इस तरीके से तो ये आपकी तीसरी सरसमीका के सारे फॉर्मूला हैं दोस्तों, sec स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर का होता है एक, इसके आगे कुछ नहीं है गुणा मानिए नौ है एक, दोस्तों आप के दस इंपोर्टेंट सवाल दोस्तों मैंने आपको बता दिए हैं दोस्तों, मैं डेली आपको दस दस सवाल करके दोस्तों, जब तक आपका पेपर नहीं हो रहा क्लास टेंथ मैथ का, जब तक हम आपको दस दस क्वेश्चन करके दोस्तों डेली ना के पढ़ा रहे हैं, महा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पहले आप हमारे वीडियो को देखिए, फिर आप अपना बकाया का काम कीजिए और पढ़िए भी बकाया में, लेकिन दोस्तों आपको ये दस सब पढ़ना है डेली के, ठीक है ना, जब तक चार दिन और बचे हैं दोस्तों पेपर के, चार दिन के बाद दोस्तों फिर आपका पेपर है दोस्तों, एक दिन आपके लिए ऑनलाइन मैराथन क्लास लेकर आपका पेपर होगा, उसी रात को मैं आपको सुबह के टाइम आपका पेपर होगा, शाम के टाइम हम आपको क्लास दिखाएंगे दोस्तों, जो जो मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल होंगे दोस्तों वही सब हम आपको बताएंगे स्पीड से, बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों, समांतर माध्य माध्य का शंकु बकाया हर एक सवाल तो हम आप बताएंगे, बताते चले स्पीड तरीके से, जिससे आपका व्यवहार बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। तो दोस्तों हमारी वीडियो आपको आज कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए हमारे साथ बने रहिए लक्ष्य क्लासेस एम के बरुआ सागर के साथ।